हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल श्रीवास्तव। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेशनल नंबर की आगे की सीरीज़ करते हैं। अब हम सीखते हैं कि रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर को कैसे निकाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है, तो देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें निकालना है कि 3/2 और 4/5 के बीच में कोई दो रेशनल नंबर निकालना है। फाइंड एनी टू रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 4/5। तो 3/2 और 4/5 के बीच में हमें कोई दो रेशनल नंबर देखने हैं, कोई दो रेशनल नंबर, एनी टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखो, इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, इसका डिनोमिनेटर कितना है 5। तो ये तो बहुत अलग हो गया। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, हम इन दोनों का एलशियम लेंगे। जैसे कि 2/5 का हम पहले लेंगे एलशियम। सबसे पहले हम एलशियम ले लेते हैं। एलशियम लेते हैं ऐसे, 2 बन जाए 2, 5 बन जाए 5। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 5 × 5 = 10। तो 3/2 इक्वल्स टू 10, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कितने से की जानी चाहिए कि 10 आ जाए। तो यहाँ पे देखो, 2 की मल्टीप्लाई हमें 5 से की जानी चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करते हैं तभी तो 10 आता है। तो यानी किस, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी, तो 5 से। 5 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 = 15। अब ऐसे ही 4/5 मल्टीप्लाई 10, यानी 5 की कितने से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए। तो यहाँ पे देखो, 5 की मल्टीप्लाई 2 से की है तो 10 आया है। तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई की, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई की, 4 × 2 = 8 और 5 × 2 = 10। तो देखो, 15/10 और 8/10 के नीचे, 10 के बीच में कोई दो रेशनल नंबर ले लीजिए। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे ये हमारी ये कोई नंबर लाइन है। फॉर एग्जांपल ये हो गया 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। सबके नीचे कितना है 10, 10। तो 10, 10, 10, 10, 10। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से हमने रेशनल नंबर को लिख लिया। अब हमें देखना 8/10। तो 8/10 हमारा ये रहा, ये वाला नंबर, और 15/10 है ये हमारे पास, ये रहा। अब इन दोनों के बीच में कोई दो रेशनल नंबर ले लो। चलो हम ले लेते हैं, या तो ये ले लो, 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 कोई भी ले लो। तो हम लिख लेंगे रेशनल नंबर ठीक है बिटवीन 8/10 एंड 15/50 आर। कौन कौन से हो गए, 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10 और 14/10। चलो एक और सवाल देखते हैं आगे के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन −7, −3/4 एंड 5/2। तो सबसे पहले देख क्या देखते हैं कि ये है −3/4 और ये 5/2। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 4 है, यहाँ पे 2 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो 4 और 2 का हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले एलशियम। तो 2 और 4 का एलशियम में क्या है, 2 × 2 = 4, 2 बन जाए 2, फिर 2 बन जाए 2, ठीक है। अब एलशियम कितना आ गया इसका, एलशियम आ गया हमारा 2 × 2 = 4। तो −3/4 को तो 4 ही रहने दिया, अच्छा यानी 4, यानी 4 की मल्टीप्लाई कितने से करेगी 4 आ जाए, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करें। तो 1 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, 3 बन जाए 3, 5/2 कि 2 की मल्टीप्लाई कितने से करें 4 आ जाए, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो, तो ऊपर भी 2 = 10। तो ये आया। तो अब इसको नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो देख लो कैसे, योग लाइन ये 0 −1
माइनस का टू और माइनस का थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन फोर फोर। तो देखिए ये आया हमारे पास, ये नंबर लाइन आई। अब हमें माइनस थ्री अपॉन फोर और फाइव अपॉन टेन के बीच में कोई दस रेशनल नंबर लेने हैं, तो इसके बीच में और इसके बीच में हमें कोई दो दस नंबर लेने हैं, तो इनमें से कोई दस उठा लीजिए। तो ले लीजिए पहला कौन सा आ गया, तो टेन रेशनल नंबर, टेन रेशनल नंबर्स आर, क्या क्या हो गए, माइनस के टू अपॉन फोर कॉमा माइनस के वन अपॉन फोर कॉमा, अच्छा जीरो भी आपका रेशनल नंबर हो सकता है, कि जीरो अपॉन फोर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या है, रेशनल नंबर में क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, वन अपॉन फोर टू अपॉन फोर थ्री अपॉन फोर फोर अपॉन फोर फाइव अपॉन फोर सिक्स अपॉन फोर, और सेवन अपॉन फोर हो गए टेन पूरे, टू टू फोर फोर फाइव 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 टेन, ठीक ये हो गए। तो ये रहा हमारा आंसर, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।